तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम जब भी आते एक नई जानकारी, एक नई अपडेट लेकर आपके सामने आते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक और नई जानकारी, एक और नई अपडेट। दोस्तों, इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि आगे आने वाली हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि है ग्रुप फाइव वैकेंसी से संबंधित। ग्रुप फाइव वैकेंसी का जो है रिजल्ट आ चुका है व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट पर। फ्रेंड्स, काफ़ी लोग असमंजस में हैं। स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, चलिए वीडियो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं pev.mp.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर। व्यापम की ये वेबसाइट है, इसमें हम लिए चलते हैं आपको रिजल्ट्स में। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली तरीके से रिजल्ट को क्लिक करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर रिक्वायरमेंट टेस्ट में आपको ग्रुप फाइव फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन एंड अदर पोस्ट हैं जो हमारी, उसका रिजल्ट दिया हुआ है। 12 मई को ये रिजल्ट प्रकाशित हो चुका था। रिजल्ट आप देख सकते हैं और कट ऑफ भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको चेक रिजल्ट चेक करने के लिए पहले तो आप इसी वेबसाइट पर जाएंगे, जहाँ पर आपको अपनी कुछ इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। आप एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर या डेट ऑफ बर्थ के से और कैप्चा कोड को आप डाल करके सर्च बार पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं रिजल्ट यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे मार्क्स दिए हुए हैं, आपकी रैंक कौन सी है वो दिया हुआ है, मेरिट लिस्ट, वेटिंग लिस्ट, सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे मैक्सिमम मार्क्स की, तो 100 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम पेपर था। यहाँ पर जो आपको प्राप्त मार्क्स हुए हैं उन्हें हम देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जिस कैंडिडेट का हम रिजल्ट देख रहे हैं उसके नंबर हैं 71.19, जहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट स्टेटस में क्वालिफाइड फॉर मेरिट वेटिंग पोजीशन ये लिखा हुआ आ रहा है। तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं बता दूँ आपको फ्रेंड्स, टेक्नीशियन असिस्टेंट की पोस्ट पर ये रिजल्ट है। पोस्ट कोड 074 है, जहाँ पर आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी से फर्स्ट मेरिट यहाँ पर आई हुई है। तो मतलब फ्रेंड्स, इन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। आप देख सकते हैं अगर आपके रिजल्ट में मेरिट लिखा आ रहा है और यहाँ पर मेरिट पोजीशन आपकी दी हुई है, तो आपका सिलेक्शन हो गया है। अब हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स, एक वेटिंग वाले कैंडिडेट का भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने वेटिंग पोजीशन वाले स्टूडेंट्स का भी रिजल्ट ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं फाइनल मार्क्स इनके 59.52 हैं। OT अटेंडेंट के लिए इन्होंने आवेदन किया था, डिपार्टमेंट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर, जहाँ पर वेटिंग में इनका अनरिजर्व कैटेगरी से 50वें नंबर पर है और OVC ने ओपन से 18वें नंबर पर है। ऐसे डिपार्टमेंट वाइज फ्रेंड्स, इनकी वेटिंग लिस्ट दी हुई है, मतलब इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। जितने भी स्टूडेंट्स के में मेरिट लिखा आ रहा है और उसके नीचे उनकी रैंक दी हुई है, 1 है या 2 है या 3 है, उन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। और जिन भी कैंडिडेट के में आ रहा है वेटिंग लिखा, उनका सिलेक्शन फिलहाल नहीं हुआ है, वो वेटिंग में है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। आप दूसरे तरीके से किस प्रकार से पता लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं दूसरे प्रकार से कि आप कैसे भी पता लगा सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, कंफर्म है कि नहीं है। इसके लिए फ्रेंड्स, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा व्यापम का कट ऑफ। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, आपने किया था रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज से। अगर आप हैं जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट और हैं ओपन मेल कैंडिडेट, तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको देखना होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में टोटल पोस्ट 7, यानी टोटल पोस्ट कितनी थी रेडियो थेरेपी टेक्नीशियन के लिए जनरल कैंडिडेट के लिए। तो आप देखेंगे कि वहाँ पर अगर 7 पोस्टें थी और आप यहाँ पर कट ऑफ गया है फ्रेंड्स, कितना 53 यहाँ का कट ऑफ गया हुआ है। अगर आपके मार्क्स है 53 से ऊपर, तो आप यहाँ पर रेडियो थेरेपी टेक्नीशियन में सिलेक्टेड हो गए हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप पता लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन कन्फर्म है या नहीं, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ग्रुप फाइव रिजल्ट से संबंधित और कोई नई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट सेशन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं।